नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं, महिलाओं की जो है बात आप तक करवा रहे हैं। एक बहन वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आइए जानते हैं उनसे कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा में। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी इंसा। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं? 11 ईयर्स। कैसा माहौल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना जो मीडियाज़ में दिखाया जा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, घर जैसा। हमारे बच्चे यहाँ पे पिकनिक एंजॉय करते हैं, एवरी संडे कहते हैं कि मम्मा डेरा चलेंगे, डेरा चलेंगे। महिलाएं और लड़कियां यहाँ पे कितनी सेफ हैं? सेफ ही हैं, घर जैसा माहौल लगता है मुझे तो उनके लिए भी। गुरु जी का व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति? बहुत अच्छा, एज अ पेरेंट बिहेव करते हैं गुरु जी। जितना मैंने देखा है 11 सालों में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप की तरह प्यार करते हैं बच्चों को, अपने संगत को अपने बच्चे ही मानते हैं। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? MA BEd। आप एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ अंधविश्वास जैसा आपको यहाँ पे लगता है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन लोग बोलते हैं बट हम बिलीव नहीं करते, ना हम इग्नोर कर देते हैं जो वो बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी। और जो गुरु जी हैं, कौन कौन से मानवता भलाई के काम उन्होंने चलाए हुए? बहुत सारे हैं, इसके बारे में तो गिनती नहीं है। जैसे कि सफाई अभियान हो गया, जैसे कि मैंने देखा है कि वैश्याओं से शादी, जो मूवीज़ बनाई गई हैं वो सारी मानवता भलाई के लिए ही बनाई गई हैं। 5 मूवीज़ हैं, हमारे बच्चे डेली वो मूवीज़ देखते हैं, इतने फैंस हैं उन मूवीज़ के बहुत ज़्यादा। उन एक तो जो गुरु जी ने मूवीज़ बनाई हैं उनमें, और दूसरी जो है सामाजिक मूवीज़, उनमें क्या फ़र्क है? ये सारी मतलब सत्संग से रिलेटेड है मूवीज़, बाकियों में तो इन्जॉयमेंट बहुत गंदा दिखाया जाता है जैसे, बट ये जो मूवीज़ हैं ये सत्संग से रिलेटेड हैं। ड्राइवरों को सुरक्षित रखने के लिए डेरा सच्चा सौदा की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? जैसे कि अब बर्थडे पर, पिताजी के बर्थडे पर इतने सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, हमारे बच्चे भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, और पर्यावरण से रिलेटेड बहुत कुछ किया गया है। कौन सा धर्म है डेरा सच्चा सौदा का, और कौन से धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं? सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्मों के लोग यहाँ पर एक ही जगह बैठते हैं और कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। एक तरफ वो बच्चे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, एक तरफ वो हैं जो नहीं आते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? यहाँ पे आके क्या सीखते हैं बच्चे? बच्चे यहाँ पर आकर बहुत सीखते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, सबको बराबर अधिकार दिए जाते हैं। चाहे वो कई जगह, मैं जैसे हम राधा स्वामी सत्संग भवन में भी जाते थे बिफोर मैरिज, बट वहाँ पर और यहाँ पर मैंने देखा है कुछ ना कुछ फ़र्क किया जाता है संगत के साथ भी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बेटियों को आगे लाने के लिए कौन कौन से कदम जो है डेरा सच्चा सौदा की ओर से उठाए जाते हैं? बेटियों को आगे लाने के लिए जैसे कि अब जिनकी एक ही बेटी होती है, तो उनको जैसे अब घर जमाई बनाने के लिए, जैसे उनसे भी विवाह करने के लिए कि बेटियों की बारात लाई जाए और बेटियों से मतलब वंश चलाया जाएगा, उन्हीं को आगे किया जाता है। जिनके बॉय लड़के होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा लड़का है, लेकिन जो लड़की वाले हैं उनको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारी लड़की है, लड़की है, लेकिन पिताजी ने उनसे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया। और जो विकलांग हैं उनके लिए क्या क्या जो है डेरा सच्चा सौदा में किया जाता है? विकलांगों के लिए कौन कौन से कार्य जो है किए जाते हैं? विकलांगों के लिए इसके बारे में मुझे नहीं पता, सॉरी। जो फूड बैंक है डेरा सच्चा सौदा में, फूड बैंक चलाया जाता है, क्या है फूड बैंक? फूड बैंक ये है कि 1 वीक में 1 टाइम फास्ट रखते हैं हम लोग, और जो उस दिन मतलब उस दिन का जो राशन पानी होता है, अन्न वगैरह, वो सारा एक ही जगह फूड बैंक में जमा किया जाता है, और उसको जो जमा करने के बाद महीने में एक ही दिन गरीबों में जाकर बंटवाया जाता है उसको। और यहाँ पे सुनने में आया था कि डेरा सच्चा सौदा में कोई गुफा है, क्या कभी आपने ऐसा कुछ यहाँ पे देखा है? नहीं, मुझे तो 11 साल हो गए, मैंने तो ऐसा गुफा तो ये मतलब पिताजी का जो डेरावास है उसी को ही मतलब हम लोग तो सुनते हैं कि वही है, उसी को ही बोलते थे, बट ऐसा गुफा में कुछ ऐसा है मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा ना ही सुना, ये तो बस मीडिया में ही सुना है मैंने तो। जो गुरु जी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हम तो, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मीडिया में बस उछाल उछाल के बातों को ऐसे फैलाया जा रहा है। आज गुरु जी समाज में नहीं है तो किस तरह के प्रभाव जो है देखने को मिल रहे हैं? अब जैसे कि कोरोना ही ले लो, सबसे बड़ा फैक्टर कोरोना ही है, क्योंकि 3 साल अगर गुरु जी बाहर होते तो कोरोना इतना फैलता भी ना, और उसका इलाज 1 मिनट में कर देते पिताजी तो। और नशे जो है डेरा सच्चा सौदा में छुड़वाए जाते हैं, किस तरह से नशा यहाँ पे छुड़वाया जाता है? नशे के लिए तो पिताजी तो बस प्रसाद देते हैं और कहते हैं सिमरन करो, उसी से नशा छूट जाएगा। सेवा सिमरन करो, प्रसाद दे देते हैं बस,
उसी से नशा छूट जाएगा। और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? हम यही चाहेंगे कि हमारे गुरुजी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्हें बस छोड़ दे, अब तो बहुत सारा टाइम हो गया, हमसे वेट ही नहीं हो रहा, गुरुजी बाहर आ जाएं बस अब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सारी जानकारी उन्होंने हमारे साथ शेयर की, बताया कि बहुत सारे मानवता भलाई के काम यहाँ पे किए जाते हैं, बेटियों के लिए जो है बहुत अच्छे अच्छे काम यहाँ पे किए जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम्स।